वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फोसिस शेयर के बारे में तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों ने इन्फोसिस के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं एंड साथ ही आज ये वीडियो सिर्फ न केवल इन्फोसिस शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों ने आई स्टॉक्स के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है जैसे कि मैं बात करूँ गज विप्रो में टीसीएस में और अदर कंपनी है जो आई की जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है गज ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गज यहां पर मैं बात करने वाला हूँ अभी के हाल फिलहाल के मार्केट के बारे में जैसा कि आप देख रहे हो कि गज कंटिन्यूसली गिरावट आपको देखने को मिल रही है चाहे वो आईटी सेक्टर की बात करें चाहे वो स्टील की बात करें चाहे वो ऑटो सेक्टर की बात करें

से 15 परसेंट तक का आपको जो है यहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले मार्केट टाइम पे यही पर मार्केट में जो है अभी इतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है इन्फोसिस और यहाँ पर आप देखोगे कि गाइज कंपनी ने इस टाइम पे काफी ज्यादा जो है लास्ट फाइव सेशन में अप्रोक्सिमेटली 1.05 ट्रिलियन की वेल्थ को जो है एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है तो गाइज ये सब एक मार्केट है गाइज हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी कभी भी गिरती है तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में ज़रूर कमजोरी आती है लेकिन गाइज ऐसा नहीं है हम सभी जानते हैं इन्फोसिस जो एक एक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आईटी सेक्टर में नंबर वन कंपनी में आता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से अपने एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड में सेकंड नंबर पर आ जाती है गाइज इंडिया की तरफ से और फॉरन में तो आप समझ सकते हो कि गायज इन्फोसिस जो है कितना बड़ा ब्रांड है तो छोटी मोटी अभी मैं जानता का हूँ अभी काफी ज्यादा आपको जो है देखने को मिला है लेकिन गैज फंडामेंटली कंपनी जो है काफी स्ट्रॉन्ग है और इनका बिजनेस भी गायज काफी अच्छा है ठीक है यहाँ पर कंपनी ने गाइज काफी ज्यादा चेंजेस भी किया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले गाय मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज के रिगार्ड में किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग में या आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कहा आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो शेयर बजार के नाम से और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे ठीक है बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी खबरें आई हैं जिससे जो आईटी सेक्टर में आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गैज यहां पर जो अड़तालीस हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो एकदम से जो है मार्केट से गायब हो गया है इन्फोसिस का गैज हम सभी को मालूम पिछले टाइम से जो है काफी ज्यादा जो है शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है अराउंड कम से कम गैज फिफ्टी तक का आप देख सकते हो इनकी कैपिटलाइजेशन में गिरावट आई है जो कि फिफ्टीन के अप्रोक्स में गज अभी पिछले कुछ क्वार्टर पर भी आप देख रहे हो पिछले कुछ डेज में भी यहाँ पर गिरावट हो रही है तो गज ये ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि गज आई सेक्टर में काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है केवल इन्फोसिस में ही नहीं गाइज आप देखते हो विप्रो में भी आपको जो ग्राउंड देखने को मिल रही है ठीक है तो कई सारे आईटी टी सेक्टर है गाई? यहां पर आप देख पा रहे हो टेक महिंद्रा में भी राइट तो क्या यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इन्फोसिस ने एक बहुत ही बड़ी डील करी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है ओडीटी के साथ में इन्होंने जो कंप्लीट एक्विजिशन किया है तो क्या ये एक्विजिशन क्यों किया गया है ताकि यहाँ पर कंपनी का वो जो है क्रिएटिव कर सके अपने ब्रांडिंग को जो और अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकें और एक्सपीरियंस डिजाइन कैपेबिलिटी चीज़ें फैसिलिटीज अपने यूजर्स को दे सकें ताकि वो जो और अच्छे तरीके से वर्क कर पाए काम पर तो क्या मैं बात करूँ कि जहाँ पर इन लोगों का जो स्टूडियो हैगा वो अक्रॉस सी लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क प्रोविडियंस हाउस एंड लंदन एंड डिजाइन इन फाइव सिटीज इन इंडिया तो गज यहाँ पर जो इनका जो एक्विजिशन हुआ है वो काफी ज्यादा मात्रा में हुआ है काफी कई सिटीज में जो इनके है इनके स्टूडियो है पर अब कंपनी को जो है काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाली है और इन सारी चीजों के एक्विजिशन के बाद जो इनको बेनिफिट होने वाला है गज यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फोसिस को क्रिएटिविटी में होने वाला है और ब्रांडिंग में ठीक है गज तो ये एक बिग स्टेप उठाया है इन्फोसिस ने और यहाँ पर जो ऑडिसिटी के साथ में जो इन्होंने कंप्लीट एक्विजिशन किया है ठीक है साथ ही क्या यहाँ पर मैं अगर इन्फोसिस के गाइस रिजल्ट के बारे में बात करूं पिछले कुछ टाइम पीरियड का तो आप देख सकते हो कि दिस मार्च इक्कीस में जो है इनका जो टोटल अगर मैं बात करूं नेट सेल्स का गाइस वो छब्बीस हजार तीन सौ ग्यारह रहा था और मार्च 2022 की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो बत्तीस हजार दो सौ छिहत्तर का रहा है तो कई यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिला है नेट सेल्स में यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है कितने परसेंटेज का वन पॉइंट टू एट परसेंट का वहीं पर कंसल्टेड नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है माइनस टू पॉइंट वन टू परसेंट का ठीक है वहीं पर अगर मैं कॉन्सल्टेड नेट प्रॉफिट की कंपेरिजन करूँगा दो हजार मार्च का और दिसंबर दो हजार इक्कीस का तो यहाँ पर माइनस टू पॉइंट वन एट परसेंटेज से का आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये वहीं पे गायज अगर मैं बात करूं यहां पर विल विजिट एवर ट्वेंटी थ्री बिकम क्लियर थ्रू द ईयर इन्फोसिस पारिक तो यहां पर आपको मैं बता कि यहां पर कंपनी का जो एक्सपेंशन हुआ है जो अप्रोक्सीमेटली तेरह सौ परसेंट या और हम सभी जानते हैं गायज जो इंडिया का ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है तो आप समझ सकते हो कि गाइज यहां पर जो है कंपनी जो है कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अवर टेक्नोलॉजी यहां पर ये कंपनी को जो है काफी ज्यादा बड़ा बनाता है और इसकी डिमांड भी जो है काफी ज्यादा बनी हुई है यहाँ पर अगर मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट के टेक्नोलॉजी के तो गाज यहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा वी कैन से बाइंग बनी हुई है बाइंग प्रेशर है यहाँ पर लोग जो है ये कंपनीज जो है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं आप देख रहे हो दे डे टू डे गज टेक्नोलॉजी जो है कितना ज्यादा चेंजेस हो रहा है ठीक है गाज? तो सेम जो है यहाँ पर होने वाला है आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है आप इन्फोसिस को बाउंस बैक करते हुए देखोगे आने वाले टाइम पर मार्केट में ठीक है तो गज आज की वीडियो में इन्फोसिस के बारे में इतना ही डिस्कस करूंगा, अगली वीडियो में मिलते हैं गैज तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलर अपडेट मिलता रहे थैंक यू सो मच गैज एंड हैव अ लवली डे